हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स, मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे इस चैनल स्टार्स मिस्टिक एनचेंटर्स पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो गाइस, आज मैं आप सभी के लिए पिक अ कार्ड रीडिंग्स लेकर आई हूँ। तो इस वीक आपके पर्सन की थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर या फिर इस कनेक्शन को लेकर क्या बन रही हैं, यही हम आज की इस रीडिंग्स में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे स्टूडियो पर, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं रीडिंग्स की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, देर आर थ्री ग्रुप्स गाइस। ग्रुप वन ब्लू, ग्रुप टू ऑरेंज एंड ग्रुप थ्री ग्रीन। तो जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स गाइस। अपने पर्सन की एनर्जीज पर फोकस करते हुए जो भी ग्रुप आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे, यू कैन चूज दैट ग्रुप एंड मीनवाइल यू कैन पॉज दिस वीडियो टू सेलेक्ट द ग्रुप। ऑलराइट, वेलकम ग्रुप वन, ग्रुप ब्लू। तो आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स इस कनेक्शन को लेकर क्या कहती हैं, जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो गाइस। केओस एंड कन्फ्लिक्ट, स्टैंड योर ग्राउंड एंड ट्रायम्फ एंड सक्सेस। तो अगर आप दोनों के इस कनेक्शन में रिसेंटली कोई डिसएग्रीमेंट या आर्ग्यूमेंट हुई है, किसी ऐसी बात जहाँ पर अगर आपने इनसे कुछ डिमांड रखा था और इन्होंने ऑलरेडी आपको एक क्लैरिटी दी थी कि ये चीज़ आपके लिए ये नहीं कर पाएंगे या फिर इनसे नहीं हो पाएगा, लाइक आपके पर्सन हो सकता है दे आर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इनकी थिंकिंग होगी, प्रैक्टिकल अप्रोच होगा लाइफ को लेकर। और मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि ये अगर किसी और एरिया पर काम कर रहे हैं अपनी लाइफ के, जैसे कि करियर हो गया और किसी पैशन को अगर ये फॉलो कर रहे हैं, कोई बिजनेस सेटअप कर रहे हैं और आप इनसे लाइक एक कमिटमेंट की डिमांड कर रहे हैं, जहाँ पर शादी की बात हो या फिर इस रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की बात हो रही हो, तो आपको पता है कि आपके पर्सन इस वक्त आपको वो कमिटमेंट या फिर आप जो चाह रहे हो नहीं दे पाएंगे, लेकिन फिर भी एक डिसएग्रीमेंट हमेशा आप दोनों के बीच में बना रहता है इसी टॉपिक को लेकर के ये आपके टुवर्ड्स एक कमिटमेंट क्यों नहीं रखते हैं। तो ऑफ कोर्स गाइस, इनके एनर्जी से बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा है कि एक बार इन्होंने जो आपको बता दिया है अपने बारे में, अपनी जो भी सिचुएशन है इनकी लाइफ की, कि ये वहाँ से हट नहीं सकते, दैट इज़ वाई ये अपने उन सारे वर्ड्स पर स्टैंड कर रहे हैं। दे आर स्टैंडिंग देयर ग्राउंड, और ये अपने बातों से मुकरना नहीं चाहते या फिर अपनी बातों में कोई मैनिपुलेशन नहीं लेकर आना चाहते। अगर इनको आपको एक मैनिपुलेटिव वे में ही डील करना होता तो ये आपको बहुत सारी झूठी बातें सुना सकते थे या फिर झूठे प्रॉमिसेस ये आपके साथ रख सकते थे, लेकिन ये पर्सन बहुत ही मैं कह सकती हूँ ना, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ के साथ चलने वाले पर्सन हैं। किसी को हर्ट नहीं कर सकते, या फिर वो कहते हैं ना गाइस के ज़ुबान के पक्के, तो एक बार इन्होंने अपनी ज़ुबान दे दी तो उसको निभा कर ही रहते हैं, मतलब बाय द बुक चलने वाले इंसान होंगे ये पर्सन जो भी हैं। तो इन्होंने आपको बहुत पहले ही अगर एक क्लैरिटी दे दी थी कि इस कनेक्शन में बस ये इतना ही दे सकते हैं या फिर ये इस रिलेशनशिप में अभी जितना कर रहे हैं वही ये इनका हाईएस्ट हो सकता है, इससे ज़्यादा आप कोई एक्सपेक्टेशंस ना रखें या फिर इससे ज़्यादा आप उनसे कुछ नहीं मांगें, तो हो सकता है यही बात को लेकर आप दोनों के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट छिड़ा हुआ है या फिर आर्ग्यूमेंट में आप लोग स्टक हो गाइस। बट आपके पर्सन ये सारी बातों से हो सकता है बहुत ज़्यादा एक डिसअपॉइंटेड फील कर रहे होंगे, कि ये सोचते होंगे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, फिर भी इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस या फिर इतनी ज़्यादा डिमांड रखने की क्या ज़रूरत है। यू नो, आप दोनों फॉर एग्जाम्पल एक कैजुअल रिलेशनशिप में बने हुए हो या फिर एक फ्रेंडशिप जोन में अभी तक आप लोग बने हुए थे, तो आपके पर्सन और आपने काफ़ी पहले बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस की थी होंगी, और आपको लग रहा था होगा कि लाइक जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा चीज़ें बहुत सॉफ्ट होने लगेंगी और आपके पर्सन आपको एक कमिटमेंट दे सकेंगे। अगर आप ऐसा सोचकर इस कनेक्शन में आगे बढ़ते गए गाइस, और आपने अपना एक इन्वेस्टमेंट रखा है यहाँ पर, लाइक 100% एक इन्वेस्टमेंट के चलते आप इस पर्सन के साथ बने रहे थे, तो ज़रूर आप
अपने आप को एक लूजिंग एंड पर ही शायद सेंस कर रहे होंगे। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैंने तो कुछ और ही सोचा था, मैंने तो इस सिचुएशन से कुछ और ही एक्सपेक्ट किया था। तो ये एक्चुअल में आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं, लाइक ग्रुप ब्लू ये आप लोगों की थिंकिंग है। आपने खुद को इस हद तक इन्वेस्ट करवाया इस रिलेशनशिप में, जबकि आप जानते थे कि ये पर्सन जो भी हैं आपके, ये आपको जितना इन्होंने कहा है उससे ज़्यादा दे नहीं पाएंगे। तो यही वजह है गाइस, अगर उस पर्टिकुलर से कन्फ्लिक्ट के बाद आप ये जानना चाहते हो कि व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट यू, तो 100% ये यही सोच रहे हैं कि मैंने तो इनको सब कुछ क्लियर वे में बता दिया था, मेरे एंड से क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, मैंने सारी बातें एक क्लियर वे पर जाकर समझाई थी, लेकिन फिर भी उस पर्सन को मेरे से एक्सपेक्टेशंस हैं, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं अपनी जो पोजीशन है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता या कर सकती। आपके पर्सन इस बात को लेकर डिसअपॉइंट है, मैं ऐसा कह सकती हूँ। अगर आप ये जानना चाहते हो कि आपके पर्सन अभी क्या सोच रहे हैं आफ्टर दैट कन्फ्लिक्ट, तो 100% गाइज वो इन सारी बातों से एक डिसअपॉइंटमेंट में आ चुके हैं कि आप कैसे इनसे वो सारी बातें एक्सपेक्ट कर सकते हो जबकि इन्होंने आपसे सब कुछ क्लियर वे में बताया था। तो आप जानते हैं कि आपके पर्सन की करंट ओवरऑल एनर्जीज क्या कहती हैं, जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो गाइस, द हायरोफेंट, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में बने हुए हैं। यानी कि ज़रूर गाइस ये अभी भी अपनी उन सारी बातों पर स्टिक हैं, और हो सकता है आपसे इन्होंने वॉक अवे किया होगा क्योंकि आप तो नहीं समझ रहे हो। इनके काफ़ी समझाने के बाद आप अगर नहीं समझ रहे हो तो इन्होंने सोचा होगा कि कुछ टाइम ब्रेक दिया जाए यहाँ पर चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए। क्योंकि गाइस आपके पर्सन की यहाँ पर एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा क्लियर हैं कि ये एक नाइट ऑफ सोर्ड्स बने हुए हैं विद द हायरोफेंट एनर्जीज। एक बार जब इन्होंने कह दिया तो ये अपनी बातों पर हो सकता है बहुत ज़्यादा स्टिक करते होंगे, लाइक अपने ये स्टेटमेंट से नहीं बदलते होंगे, और क्योंकि एक हायरोफेंट की एनर्जीज में है इन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शंस अपने सराउंड क्रिएट किए होंगे। अगर ये ऑलरेडी किसी कमिटमेंट में है गाइस, तो आपको यहाँ पर समझना होगा कि उस कमिटमेंट के चलते आपके साथ जो भी इनका कनेक्शन है वहां पर ये कुछ और ज्यादा नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपके ओन एक्सपेक्टेशंस के चलते आपने इस पर्सन पर बहुत कुछ चीज़ें इम्प्लाई की जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा एक टेंशन में आ गए हैं। बट अगर ये आपसे वॉक अवे हुए हैं गाइस, तो ये चाहते हैं कि आप यहाँ पर एक रियलाइजेशन रखें और आप चीज़ों को समझें, क्योंकि आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स, फोर ऑफ कॉइन्स एंड फाइव ऑफ वॉन्ड्स की बन रही हैं। ऑफ कोर्स गाइस आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड हैं, आप हो सकता है इनसे लड़ रहे होंगे, आप एक ही बात को लेकर शायद स्टक बैठे हुए होंगे, आपने खुद को इस सिचुएशन में खुद से स्टक करवाया है। अगर आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन आया है तो ये आप ही की वजह से आया है। आपने हो सकता है बहुत ज़्यादा इमोशनली बिहेव किया या फिर एक इमोशनल वे में आकर आपने इस पर्सन को काफ़ी सारी चीज़ें सुना दी होंगी, क्योंकि आपकी फाइव ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जीज हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में एक अच्छी खासी कन्फ्लिक्ट हुई होगी जहाँ पर बहुत बातें एक्सचेंज हुई होंगी, बहुत सारे वर्बल फाइट्स मैं कह सकती हूँ टॉन्टिंग के चलते, या फिर एक दूसरे को आपने बहुत कुछ सुनाया होगा जिसके चलते आप दोनों के बीच में जो चीज़ें स्मूथली चल रही थी वो सडनली शिफ्ट हो गई, क्योंकि आपको लगता है कि आपने इस पर्सन को बहुत ही अनकंडीशनल वे पर चाहा था। जब बात अनकंडीशनैलिटी पर आ रही है तो आप क्यों यहाँ पर एक काउंटिंग में जा रहे हो कि आपने इतना इन्वेस्ट किया या फिर इस पर्सन ने इतना इन्वेस्ट नहीं किया जितना मैंने किया। तो अगर आपके पर्सन ने आपको क्लियर वे में सारी बातें बता दी थी तो आपकी एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर बढ़ गई, तो हो सकता है आपको अपने एंड्स पर चीज़ों को सही करना पड़ेगा गाइस। तो ये सजेशन आपको यूनिवर्स दे रहा है, ये मैसेजेस जो भी आप यहाँ से ग्रैब कर रहे हो ये यूनिवर्स की सजेशन है आपके लिए कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर ये रखना पड़ेगा कि वक्त के साथ चलो चीज़ें रिजॉल्व होंगी, लेकिन जब आपके मैस्कुलिन ने आपसे कुछ डायरेक्ट वे में कहा है कि ये नहीं हो सकता, तो यहाँ पर आपको एक अंडरस्टैंडिंग लेकर चलनी पड़ेगी और इनकी बातों को एग्री करके चलना पड़ेगा, क्योंकि आपके पर्सन वो पर्सन नहीं है जो कि आपके फेस पर कुछ कहें, दिल में कुछ और इनके रहे। ये पर्सन की वाइब जहाँ से मैं सेंस कर रही हूँ, दिस पर्सन इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, ये जो कहते हैं वही करते हैं,
और जैसे कि मैंने कहा, ये अपनी ज़ुबान के पक्के इंसान हैं, जब कुछ कमिट कर देते हैं तो ये उसको सक्सेस की तरफ लेकर जाते हैं, और जब इनसे कुछ नहीं हो पाता तो वहाँ पर ये पहले ही बता देते हैं, सरेंडर कर देते हैं कि ये मेरे से नहीं हो सकता। तो आपकी ये एक, मैं कह सकती हूँ ना, ये क्योंकि आप लोगों की एक हाईएस्ट एक्सपेक्टेशंस थी जो कि कोलैप्स हो गई है गाइस, तो इसमें आपके पर्सन की कोई मिस्टेक्स यहाँ पर नहीं है। तो आप दोनों ने जो भी एक सेपरेशन खुद में क्रिएट कर लिया है, इट इज़ ड्यू टू द मिसअंडरस्टैंडिंग, या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि एक्सपेक्टेशंस आपकी ज़्यादा हो गई, जबकि आप दोनों ने ही, हो सकता है काफ़ी पहले इन सारी चीज़ों पर डिस्कशन किया था होगा। तो ये एनर्जीज हैं, हो सकता है ये अगर आप लोगों का पाइल नहीं है गाइस, तो यू कैन चूज सम अदर ग्रुप फ्रॉम माई लिस्ट, बट अगर ये आप लोगों की एनर्जीज हैं तो यहाँ पर आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये पर्सन गलत नहीं है, बस आपने अपनी एक्सपेक्टेशंस को कुछ ज़्यादा इनके टुवर्ड्स रख दिए। अब देखते हैं गाइस कि हाउ द थिंग्स विल प्रोसीड हियर, यानी कि ये सिचुएशन किस वे में प्रोसीड होगी। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, 10 of Cups एंड नाइट ऑफ कॉइन्स की एनर्जीज में आपके पर्सन आने वाले हैं, यानी कि अगर आपके पर्सन लाइक ऑलरेडी आपसे काफ़ी सारी चीज़ें कह चुके हैं, तब भी गाइस ये फ्यूचर को लेकर होपफुल हैं। अगर ये राइट नाउ आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, या फिर आप जो भी चाह रहे हो इनसे ये नहीं अगर दे पा रहे हैं, तो इन फ्यूचर इनको लगता है कि ये दे पाएंगे, और हो सकता है तब तक आप एक बैलेंस में रहें इनके साथ, एक रैशनल वे में बिहेव ना करें, और यही ये आपसे चाहते हैं। और अगर ये आपसे कुछ कहना चाहते तो यही कहना चाहते गाइस कि इनको कुछ टाइम दिया जाए, मे बी नॉट नाउ, लेकिन हो सकता है पॉसिबली इन द फ्यूचर ये आप जो भी चाह रहे हो उसके लिए ये आपके टूवर्ड्स आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन फॉर दिस टाइम ये आपके लिए अभी कुछ नहीं कर सकते। आप कुछ ओवर रिएक्ट कर रहे हो यहाँ पर, जो कि आपको अभी संभलना चाहिए, और चीज़ों को इनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच कर देखना चाहिए कि ये कहाँ पर स्टक हैं और ये अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं, ताकि ये भी आपको किसी वे में एक फर्म फाउंडेशन दे सकें। अब देखते हैं गाइस कि आप लोगों के लिए एंजेलिक गाइडेंस क्या कहती है। नो नीड टू वरी, तो ये एनर्जी आपके लिए आई है कि इसका मीनिंग ज़रूर यही है गाइस कि आपने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा एक इमोशनल वे में ले जाकर चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब कर दी हैं, और आप खुद इस वजह से एक पेनफुल सिचुएशन में स्टक हो गए हो। तो नाउ दिस इज़ द टाइम कि आपको इन सारी एनर्जी से खुद को बाहर लेकर आना होगा, और स्टॉप वरीइंग। जो चीज़ें जैसी चल रही थी, एक ब्यूटीफुल सा रिलेशनशिप आप ख़राब नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्यूचर थिंग, या फिर फ्यूचर के कमिटमेंट के चलते। जो अभी प्रेजेंट में आप लोगों के बीच जो भी चल रहा था, एक स्मूथ वे में जो भी रिलेशनशिप बना हुआ था, उस चीज़ को आप ख़राब मत कीजिए। रादर दैन दैट, जस्ट नो नीड टू वरी अबाउट द फ्यूचर। जो जैसे चल रहा है उसको उसी वे में चलने दीजिएगा गाइस, और बाकी सारी चीज़ें आप यूनिवर्स पर सरेंडर कर सकते हो। यूनिवर्स आपके लिए एक पॉजिटिव फ्यूचर प्लान करेगा एज पर योर डेस्टिनी, और जो भी आप लोगों के लिए डेस्टाइन वे में लिखा गया है वो आपको ज़रूर मिलेगा। आपको बस पॉजिटिविटी रखनी अपने अंदर, और पॉजिटिव चीज़ें आपको मैनिफेस्ट करनी है गाइस। ऑलराइट, तो यही एनर्जीज का शिफ्ट था आप लोगों के लिए। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा गाइस, और प्राइवेट सेशन के लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरी गिवन डिटेल्स पर। तो बहुत जल्द मिलते हैं अपनी अगली पिक योर कार्ड रीडिंग में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। वेलकम ग्रुप टू, ग्रुप ऑरेंज। तो आपके पर्सन की यहाँ पर आपको लेकर क्या करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स हैं, या फिर अगर कोई सिचुएशनशिप आप दोनों के बीच में चल रही है तो अभी राइट नाउ ये क्या फील कर रहे हैं उस सिचुएशन के बारे में। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, पावर, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट एंड द थिंकर। तो इन एनर्जीज के साथ मैं यही कह सकती हूँ गाइस कि आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहे हैं, मे बी दे आर थिंकिंग अ लॉट, और ये प्रोसेस इनको बहुत ज़्यादा आइदर थका दे रहा है, या फिर दे फील एग्जॉस्टेड, और ये अपने ही अंदर एक काइंड ऑफ अ कन्फ्लिक्ट और साथ ही साथ एक डिफीट सेंस कर रहे हैं गाइस कि आपके साथ आगे बढ़ पाना इनके लिए हो सकता है काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। यहाँ पर इसीलिए पावर वाली भी एनर्जीज आई हैं, मे बी दे आर स्ट्रगलिंग अ लॉट,
क्योंकि इनको भी यहाँ पर कुछ मेंड करना है, या फिर जो भी इनके लाइफ में ऑब्स्टिकल है, या फिर जिस भी वजह से ये आपके टूवर्ड्स आगे नहीं बढ़ सकते, उन सारी चीज़ों को एक अलाइनमेंट में लाने के लिए, एक बैलेंस वहाँ पर लाने के लिए इनको जो भी करना पड़ सकता है दे आर ट्राइंग टू डू. लेकिन एट द सेम टाइम इनको ऐसा भी लगता है कि ये चीज़ें इतनी ईजीली पॉसिबल नहीं है. तो यही वजह है गाइस, दे आर फीलिंग सो मच एग्जॉस्टेड. ये जो भी पर्सन है गाइस, ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते, इसीलिए इनको इतना ज़्यादा सोचना पड़ रहा है. हो सकता है मे बी अगर आप दोनों के बीच में कोई डिफरेंस है, एक उस डिफरेंस के चलते ये अपने अंदर एक कन्फ्लिक्ट या फिर एक डिफीट सेंस कर रहे हैं गाइस. तो ऑफकोर्स ये एनर्जीज से ये काफ़ी ज़्यादा ड्रॉन फील कर रहे हैं, इनकी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो गई होंगी. मे बी दे आर फीलिंग अनवेल अबाउट दिस थिंग कि इनकी हेल्थ पर इन सारी चीज़ों का इफेक्ट आ रहा होगा. तो आपके पर्सन आपको खोना नहीं चाहते, लेकिन एट द सेम टाइम इनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी विद द पावर एनर्जीज जहाँ पर ये किसी के पावर के नीचे आइदर स्टक हैं, कोई अथॉरिटी फिगर है इनकी लाइफ में, मे बी फैमिली, या फिर कोई अगर ऐसी पर्टिकुलर सी सिचुएशन है जहाँ पर इनको अपना पावर लगाना पड़ेगा उस सिचुएशन से डील करने के लिए. तो इन सारे सिनेरियोस को सोचकर हो सकता है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेस में हैं, फियर ऑफ लूजिंग या फिर फियर ऑफ डिफीट और समथिंग, ये इनकी एनर्जीज हैं गाइस. अब देखते हैं कि आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जीज क्या कहती हैं. जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो द हैंग्ड मैन, क्वीन ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स. इनको पता है गाइस कि आपका प्यार इनके लिए बहुत ही ज़्यादा अनकंडीशनल वे पर है, और आप इनके लिए बहुत ज़्यादा नर्चरिंग हो, केयरिंग हो, और आप इनका पेन भी जानते हो कि ये जिस भी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, जिस भी एक सिचुएशन में बने हुए हैं जहाँ पर इनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, और ये उन सारे पेन से जो गुजर रहे हैं, आपको उस बात का इंट्यूशन है. आप जानते हो कि आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा एक तकलीफ में बने होंगे, और आपको एक इंट्यूशनल वे पर इनसे कनेक्टिविटी भी शायद सेंस हो रही होगी. तो मे बी आप अपने पर्सन के टूवर्ड्स वो केयरिंग नेचर जब दिखाते हो तो इनकी जो फीलिंग है, जो डेडिकेशन है, वो और भी पक्का होता जाता होगा गाइस. क्योंकि आपके पर्सन भले ही आपसे हो सकता है एक हैंग्ड मैन सिचुएशन में बने हुए हैं, मे बी ये आपसे ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे होंगे, या फिर अपनी एनर्जीज को इन्होंने बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड रखा होगा, आपके सामने अगर ये कुछ शो भी नहीं करते, अपने आप को ये अगर कंफर्टेबल वे में दिखाते होंगे आपके सामने कि दे आर फाइन, दे आर रियली वेरी डूइंग ग्रेट, लेकिन एक्चुअल में आप शायद सेंस कर पाते होंगे कि ये एक पेन में चल रहे हैं और कुछ स्ट्रगल इनकी लाइफ में बना हुआ है. और जब आप ऐसा बिहेव करते हो तो इनको बहुत ज़्यादा खुशी होती कि यू आर द पर्सन, यू आर द ओनली पर्सन जो इनको अंडरस्टैंड कर सकता है. और इन्हीं एनर्जीज में ये खुद को लेकर आगे प्रोसीड होते जा रहे हैं. इनको पता है अभी राइट नाउ ये इस कनेक्शन के लिए या फिर इस सिचुएशन पर कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक डिज़ायर यहाँ पर है, आपको लेकर इनका एक डिज़ायर है, तभी तो दे आर स्ट्रगलिंग अ लॉट, इसीलिए इतना ज़्यादा सोच रहे हैं. अगर इनके अंदर आपको लेकर कोई डिज़ायर नहीं होता तो इनको इतना सोचना ही नहीं पड़ता, इज़न्ट इट. तो आपके पर्सन इसलिए ओवर थिंकिंग कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि आपके साथ इनकी कंप्लीशन जुड़ी हुई है, और आप ही वो एक पर्सन हो जिनके लिए ये एक लीप ऑफ फेथ ले सकते हैं और अपने यूजुअल पैटर्न से कुछ हट कर एक एडवेंचरस वे पर कर सकते हैं. दैट इज़ वाई यहाँ पर एक सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं. भले ही चीज़ें बहुत डिफिकल्ट होंगी इनके लिए, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, और यही इनकी एनर्जीज हैं आप लोगों को लेकर. तो अब देखते हैं गाइस के आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर क्या कहती हैं. जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो द हाई प्रिस्टस, एयर ऑफ सोर्ड्स एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स. तो आपको भी पता है गाइस, काफ़ी सारी चीज़ें आप इंट्यूशनल वे में चीज़ें जानते हो, आपने भी खुद को एक रिस्ट्रिक्शन में बनाकर रख लिया होगा ताकि आप भी अपना वो वल्नरेबल साइड इनके टूवर्ड्स शो नहीं कर सकते जब तक ये आपके टूवर्ड्स कोई लीप ऑफ फेथ नहीं लेते. आप एक हाई प्रेस्टस वाली एनर्जीज में हो सकता है आप लोगों का जो स्पिरिचुअल लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, और इस पर्सन को आपने बहुत कुछ सिखाया है स्पिरिचुअल लेवल पर. इवन अगर जनरल लाइफ में भी देखा जाए तो इस पर्सन के लिए आप एक मेंटोर रहे होंगे गाइस, और आपकी वजह से इनको
काफ़ी कुछ एक इंस्पिरेशन के चलते एक एनलाइटनमेंट इनको हमेशा आपकी तरफ से मिलती है, और जिस वजह से ये आपके लेवल तक चीज़ों को समझ पाएँ उस चीज़ के लिए इनको टाइम लगेगा। और इनको ये टाइम दिया जाए और आप जिस भी वे में इनके साथ बने हुए हो, इट इज़ रियली वेरी क्लियर हियर कि आपको 100% विश्वास है कि ये पर्सन आपके टुवर्ड्स कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेंगे, क्योंकि आपकी एक थ्री ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जीज हैं। यू गाइज आर रियली वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस सिचुएशन के यहाँ पर जीत तो आप ही की होगी, लेकिन टिल दैट टाइम आप कुछ एक्शन लेना नहीं चाहते होंगे। आपने इस पर्सन को उसी वे में छोड़ दिया है, उसी सिचुएशंस में छोड़ दिया है, इवन दो आपको पता है कि आपके पर्सन पेनफुल सिचुएशन में चल रहे हैं या फिर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इनकी कोई स्ट्रगलिंग सिचुएशन होगी जहाँ पर ये एक डिसीजन मेकिंग में नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन आप इनको इनका ओन स्वीट टाइम देना चाहते हो और आप भी चाहते हो कहीं ना कहीं कि ये इसी वे में सोचकर एक मैच्योरिटी लेवल में आए और एक स्पिरिचुअलिटी लेवल में आकर चीज़ों को एक ऐसे पर्सपेक्टिव से देखें जहाँ से आप देखते हो। बहुत लोगों के लिए ये हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकता है गाइस, तो आप चाहते हो कि आपके पर्सन अंडरस्टैंड करें कि ये आप दोनों का एक ट्विन फ्लेम जर्नी है और यहाँ पर आप दोनों का कोई सोल पर्पस बनता है, आप दोनों का यूनियन यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है एक दूसरे के स्पिरिचुअल लेवल को एक अपग्रेडेड वर्जन में ले जाने के लिए या फिर इस लाइफ टाइम के सारे कार्मिक सिचुएशंस को एंड करने के लिए आप दोनों का एक यूनियन में आना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को हील भी करनी है गाइस, तो आप चाहते भी यही हो कि आपके पर्सन टाइम लें, सोचें और चीज़ों को डीपेस्ट लेवल पर एनालाइज करें, तभी ये आपको एक 3D लेवल में फर्म वे पर ये आपको कुछ दे पाएँ या फिर आपके लिए कुछ कर पाएँ। तो आप देखते हैं कि फाइनली आपके पर्सन क्या करते हैं यहाँ पर। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो गाइस, द मैजिशियन, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस एंड द किंग ऑफ सोर्ड्स। तो ऑफ कोर्स आपके पर्सन आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा, मैं कह सकती हूँ ना, दे आर रियली वेरी क्यूरियस टू टेक एन एक्शन। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, इनकी लाइफ की बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स होंगी, ये कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ चीज़ें मिसमैच में बैठ रही होंगी गाइस, और ये नहीं चाहते कि आपके टूवर्ड्स ऐसा कोई एक्शन लिया जाए जहाँ पर ये प्रिपेयर्ड ही नहीं हो। तो ये अपने आप को ग्राउंड करना चाहते हैं विद द मैजिशियन एनर्जीज, और आप जो डिज़र्व करते हो अपनी लाइफ में वही आपको ये देना चाहते हैं, वही आपके टूवर्ड्स ये प्रेजेंट करना चाहते हैं। लेकिन टिल दैट टाइम हो सकता है ये अपने आप पर काम भी करेंगे, और एज वेल एज यहाँ पर द एम्प्रेस वाली एनर्जी से मैं ये कह सकती हूँ गाइस कि ये इस रिलेशनशिप को ग्रो करना चाहते हैं, क्योंकि आप इनके लिए द एम्प्रेस हो, द क्वीन ऑफ कप्स हो। इनको पता है कि आप इनके लिए एक डिवाइन फेमिनिन हो और आपको ये किसी भी वे में लीस्ट नहीं देना चाहते, दैट इज़ व्हाई दे आर बीइंग द किंग ऑफ सोर्ड्स हियर। ये लेंगे एक्शन आपके टूवर्ड्स, लेकिन जब इनका एक फेवरेबल टाइम आएगा गाइस, जहाँ पर इनको लगेगा कि ये आपके टूवर्ड्स एक इनफ इन्वेस्टमेंट रख पाएँ या फिर आपको एक इनफ वे में गिव एंड टेक दे पाएं, भले वो प्यार के वे में हो, फाइनेंशियल वे में हो, या फिर जनरली जो एनर्जी एक्सचेंज है उस वे में भी अगर देखा जाए, तो ये आपके साथ एक इक्वल गिव एंड टेक में आना चाहते हैं। आपको किसी भी हालत में कुछ कम नहीं देना चाहते गाइस, और यही इनकी एनर्जीज बहुत जल्द शिफ्ट होने वाली हैं कि ये आपके लिए कुछ कर सकें, अपने आप को ग्राउंड कर सकें, अपने आप पर काम कर सकें, अपने आप को इस काबिल बना सकें कि ये आपको लिटरल वे में कोई फर्म फाउंडेशन दे पाए। ऑलराइट गाइस, तो आप देखते हैं कि व्हाट इज द एंजेलिक गाइडेंस फॉर यू। रिकंसिडर वाली एनर्जीज आई हैं गाइस, आपकी और आपके पर्सन की अगर कोई प्लानिंग चल रही है गाइस, लाइक बिहाइंड द सीन अगर आप लोग कुछ प्लान कर रहे हो, तो आप उन सारे प्लानिंग्स में कुछ और भी चीजों को शायद एड अप करोगे या फिर रिकंसिडर करोगे। जैसे कि मैंने आपको बताया भी कि आपकी एट ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जीज थी, आप अपने पर्सन के टूवर्ड्स बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड बन गए हो, तो हो सकता है ये आपकी एक स्ट्रैटेजी, एक प्लानिंग है, और आप अपने पर्सन के हालात को देखकर हो सकता है उन सारी एनर्जीज में एक चेंज लेकर आओगे या फिर खुद को एक सॉफ्ट वे में इनके टूवर्ड्स प्रोसीड करवाओगे, या फिर इनके लिए जो भी सॉफ्ट कॉर्नर आप नहीं शो कर पा रहे थे वो दोबारा से आप उन सारी चीज़ों को रिकंसिडर करोगे।
तो यही आपके लिए गाइडेंस है कि आप अगर बहुत ज़्यादा हार्श हो रहे हो किसी भी सिचुएशन को लेकर, या फिर अपने अपने ऊपर एक हार्शनेस आप रख रहे हो, या फिर आपने कहीं से गिव अप किया था, आपको दोबारा से उन सारी चीज़ों को रिकंसिडर करना पड़ेगा। आप ऐसे ही वॉक अवे नहीं हो सकते। वहाँ पर आप क्या क्या चेंजेस लेकर आ सकते हो, क्या क्या एडजस्टमेंट आप रख सकते हो, ताकि आप दोनों ही के इस रिलेशनशिप में एक बेटरमेंट आप देख सको। क्योंकि जैसे कि मैंने आपसे कहा भी कि आपका स्पिरिचुअल लेवल इनसे ज़्यादा हाई है, तो आप यहाँ पर लीडर हो गाइस, और ये जो पर्सन है ये आपको फॉलो करेंगे। तो लीडर को डिसाइड करना है कि इस कनेक्शन को या फिर इस सिचुएशन को कहाँ पर लेकर जाना है। तो अगर आप श्योर हो और आपको पता है कि इस पर्सन को आप कैसे प्रोसीड करवाओगे, और जिन भी चीज़ों को आपने शायद छोड़ दिया था, या फिर एक एंडिंग सिचुएशन में उन सारी चीज़ों को अगर आप लेकर आए थे, तो उन चीज़ों को आप दोबारा से रिकंसिडर करोगे गाइस। तो आपके एंजल्स आपसे यही कहना चाहते हैं कि यू गाइस हैव टू रिकंसिडर फ्यू थिंग्स इन योर लाइफ। ऑलराइट गाइस, तो यही शिफ्ट था आप लोगों का। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन सीख कर रहे हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं बहुत जल्द अपनी अगली पिक कार्ड रीडिंग में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए गाइस, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। वेलकम ग्रुप 3, ग्रुप ग्रीन। तो आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स इस रिलेशनशिप को लेकर या फिर आपको लेकर क्या कहती हैं, जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो गाइस, अवेयरनेस, होप एंड द पीस। तो ज़रूर गाइस, आपके पर्सन आपसे बहुत ही ज़्यादा हाईली अटैच्ड हैं, और आपकी बहुत ही सूदिंग एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस इनको सेंस होती हैं। आपके सराउंड रहना इन्हें अच्छा लगता है, आपके साथ एक एनर्जी एक्सचेंज में रहना अच्छा लगता है, आपके साथ कन्वर्जेशन में रहना अच्छा लगता है, और आपके साथ ये ज़रूर अपना एक फ्यूचर देखते हैं गाइज। यहाँ पर होप वाली एनर्जीज हैं, और ये आपको डिज़ायर करते हैं, मतलब दे रियली वॉन्ट यू इन देयर लाइफ। और ये थॉट ही इनके लिए बहुत ही ज़्यादा पीसफुल होगा कि ये आपको पाना चाहते हैं, या फिर आपके लिए एक डिटरमाइंड वे में बने हुए हैं। लेकिन हो सकता है गाइज, आप लोगों की एनर्जीज इस पर्सन को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्टिव होंगी, या फिर आप इस पर्सन को पूरी तरीके से समझ नहीं पाते होंगे कि इनका जो बिहेवियर है वो शायद आपको समझ में नहीं आता होगा। अगर इनकी लाइफ में कोई सिचुएशनशिप है जहाँ पर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस के चलते अगर ये आपको समझ में नहीं आते कि एग्जैक्टली ये क्या चाहते हैं आपसे, और क्या किस वे में ये आपके साथ प्रोसीड होते चले जा रहे हैं, क्या मकसद है इनका इस रिलेशनशिप को, ये कहाँ पर लेकर जाना चाहते हैं, अगर आप ऐसा सोच रहे हो गाइस, तो इनकी इंटेंशन से लगता है कि दे रियली वॉन्ट टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन। इनको होप है और इनको यकीन है कि ये ज़रूर यहाँ पर कुछ कर पाएंगे। विद द अवेयरनेस कार्ड इनको हर चीज़ पता होगी गाइस कि आप इनके लिए क्या फीलिंग्स रखते हो और आप इनसे क्या चाहते हो, इवन ये भी इनको पता है। लेकिन अगर आप दोनों के बीच में एक नो कम्युनिकेशन सिचुएशन है, या फिर बिल्कुल ही लीस्ट वे पर आप दोनों की बातें होती हैं, तो ये आपके दिल का हाल जानते हैं गाइस। हो सकता है आप दोनों इंट्यूशनल लेवल पर एक दूसरे से कनेक्ट करते होंगे, मेडिटेशनल लेवल पर एक दूसरे से कनेक्ट करते होंगे, आप दोनों के सबकॉन्शियस एक दूसरे से अटैच होंगे। विद द पीस एनर्जीज इट इज़ रियली वेरी क्लियर कि आप दोनों का एक हीलिंग वाला रिलेशनशिप है, आप दोनों एक दूसरे को हील करते हो। जब भी आप दोनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में भी आते हो, एक दूसरे को देख लेते हो, एक दूसरे की आवाज़ भी सुन लेते हो, तो वो जो सूदिंग वाइब्स हैं वो शायद आप भी सेंस करते होंगे और ये भी सेंस करते होंगे। तो इस रिलेशनशिप की जो वैल्यू है और जो वर्थ है ये आपके पर्सन को बहुत ही अच्छे से पता है गाइस, और इसीलिए हो सकता है ये आपको खोना नहीं चाहते, और इस कनेक्शन में एक रियल वे में कुछ करने के लिए दे आर प्लानिंग और ट्राई कर रहे होंगे। तो यहाँ पर और भी एनर्जीज लेते हैं गाइज, इनकी करंट ओवरऑल एनर्जीज के चलते जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, 7 of Swords, 10 of Pentacles, द एम्प्रेस एंड द 10 of Wands। तो 100% इनकी लाइफ में आइदर एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये इनकी फैमिली भी हो सकती है गाइज, या फिर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिसको छोड़कर ये नहीं आ सकते। अगर ये सिचुएशन इनकी थर्ड पार्टी यानी कि कोई लिटरल पार्टनर है यहाँ पर जिनके साथ ये कमिटेड है, तो ऑफ कोर्स ये उस कमिटमेंट को छोड़कर नहीं आ सकते एट दिस टाइम,
क्योंकि वहाँ पर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी इनकी, जिन्हें जिनको इन्हें कंप्लीट करना ही पड़ेगा। और अगर ये एक इनकी फैमिली लाइफ है जहाँ पर पेरेंट्स हैं और कोई जिम्मेदारियाँ हैं, घर की जिम्मेदारियाँ जो इन्हें बिल्कुल निभाना ही पड़ता है, और वहाँ से इनको एक ब्रेक थ्रू नहीं मिल पाता होगा, और जब तक ये उन सारे टास्क को या फिर उन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कम्प्लीट नहीं कर लेते, ये आपके टूवर्ड्स आइदर आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए काफ़ी टाइम से ये आपको हो सकता है एक मैनिपुलेटिव वे में लेकर आगे बढ़ रहे होंगे कि अगर ये कमिटमेंट नहीं दे पा रहे या फिर इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए ये आपको एक होल्ड पर रख रहे हैं या फिर आपको गोल गोल घुमा रहे हैं मैनिपुलेटिव बातों में विद द सेवन ऑफ सोर्स एनर्जीज, तो ज़रूर इनकी लाइफ में कुछ और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इसलिए ये शायद आपसे खुलकर बातें नहीं बता पाते होंगे। लेकिन ये आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा एक होपफुल एनर्जीज़ में, इनको पता है कि ये किस वे में प्लानिंग कर रहे हैं और अपने एंड पर ये क्या क्या चीज़ों को स्ट्रेटजाइज कर रहे हैं, दे ऑलरेडी नो दैट। इसलिए इनको एक सुकून है कि इवेंचुअली ये सारी चीज़ों को ठीक कर लेंगे और जो भी इनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं वो भी ब्यूटिफुली ये निभा लेंगे और आपके टूवर्ड्स कोई एक्शन ज़रूर रखेंगे, यू नो। तो आपकी एनर्जीज ऑन दी अदर हैंड क्या कहती हैं, जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स। तो मे बी गाइज आप इनसे प्यार तो करते हो लेकिन आपकी जो एनर्जी है वो इस वे में होगी कि आप इस पर्सन से स्ट्रेट फॉरवर्डनेस चाहते हो, मतलब जो है क्लियर वे में बने रहिए, प्यार है आपको भी है मुझे भी है, लेकिन इस कनेक्शन को कैसे लेकर जाना है आगे, मतलब आप रिजल्ट चाहते हो और यही आपका एटीट्यूड इनको बहुत ज़्यादा पसंद आता होगा गाइस। आप अपनी लाइक एक इमोशनल लाइफ के साथ साथ अपनी प्रैक्टिकल लाइफ पर भी उसी वे में फोकस करते होंगे, आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होंगे और आप जब कुछ डिसाइड करते हो उस चीज़ को अचीव करने के पीछे आप लग जाते होंगे। तो ये जो आपका एटीट्यूड है इनको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करता है गाइस, और यही वजह है कि ये आपसे वॉक अवे हो ही नहीं सकते। आपकी जो लाइक एक हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज हैं इनको मतलब हमेशा आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है और ये आपसे कभी दूर नहीं जा पाते, और यही आपका जो शिफ्ट है यही आप सस्टेन भी रखिए गाइस, क्योंकि ये आपके पर्सन को एक होल्ड में बनाकर रख रहा है, ये चाह कर भी आपसे दूर नहीं जा पाएंगे क्योंकि आप एक एनर्जीज का भंडार हो और आपकी एनर्जीज इनको हर वक्त चाहिए होती हैं, तो इन दैट केस ये कैसे आपसे दूर जा पाएंगे, इजंट इट। आप अपनी लाइफ में जिस वे में भी एक फोकसिंग एनर्जीज में बने हुए हो उसी वे में आप बने रहिएगा गाइस, फिर देखना ये पर्सन को 100% आपके टूवर्ड्स कोई एक्शन लेना ही पड़ेगा। अब देखते हैं गाइस कि क्या एक्शन ये ले सकते हैं या फिर इस सिचुएशन को ये कैसे मेंड कर सकते हैं। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो थ्री ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रिस्टेस एंड सिक्स ऑफ सोर्ड्स। आई नो गाइस यहाँ पर और भी इनको टाइम लग सकता है, मतलब इट इज़ रियली नॉट ईजी फॉर देम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनकी जो भी सिचुएशनशिप है, जो भी इनके लिए ऑब्स्टिकल है, वो एक फैमिली लाइफ को लेकर है, और अगर कोई यहाँ पर लिटरल थर्ड पार्टी कमिटमेंट सिचुएशन है तो वो पर्सन इनके साथ हो सकता है बहुत ही एक ऐसे बिहेवियर में है जो कि इनको अंडरस्टैंड नहीं करती होंगी या करते होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ चीज़ें इम्बैलेंस हैं। दे आर गिविंग देयर 100%, लेकिन फिर भी हो सकता है वो जो भी इनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो इनको अंडरस्टैंड नहीं करते। आइदर वो एक फैमिली सिचुएशन भी हो सकती है, एक करियर सिचुएशन हो सकती है, एंड एज वेल एज कोई लिटरल थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। तो ये वहाँ पर ज़रूर खुश नहीं है गाइस, जबकि 100% देने के बावजूद भी अगर इनको फ्रूटफुल वे में आइदर एक एप्रिसिएशन भी नहीं मिलती है और उल्टा इन पर कमेंटिंग होती होगी विद द पेज ऑफ सोर्स एनर्जीज, तो एक वे में चीज़ें इस वे में प्रोसीड होने वाली हैं गाइस। ये कनेक्शन आप दोनों का हो सकता है डेस्टाइंड होगा और ये इनकी कोई कार्मिक सिचुएशन होगी और ये अपनी कार्मिक सिचुएशन से बहुत जल्द रिलीज करवा दिए जाएंगे यूनिवर्स के थ्रू। यहाँ पर कोई एक डिवाइन इंटरवेंशन आने वाला है जिसके चलते चीज़ें नेचुरली रिजॉल्व होने वाली हैं और आपके और इनके लिए चीज़ें नेचुरली अनफोल्ड होने वाली हैं गाइस, मैं यही देख पा रही हूँ। सिक्स ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से मैं यही कह सकती हूँ कि ये जो भी अभी एक सिचुएशनशिप में आप लोग चल रहे हो ये धीरे धीरे एक पीसफुल एनवायरनमेंट की तरफ जा रही है, यानी कि सब कुछ आप लोगों के हित में होने वाला है और आप जैसा चाहते हो
उसी वे में सारी चीज़ें नेचुरली होती जा रही हैं। तो ये जो भी आपका कनेक्शन है, मैं ऐसा कह सकती हूँ दिस इज़ द काइंड ऑफ अ डेस्टाइंड रिलेशनशिप, और आप दोनों का इस लाइफ टाइम में बहुत कुछ बाकी होगा गाइस, और यूनिवर्स भी यही चाहेगा कि ये अपनी उस कार्मिक सिचुएशन को जल्द से जल्द एंड कर आपके टूवर्ड्स आगे बढ़ें, और यही यहाँ पर एक शिफ्ट बनने वाला है गाइस। और इन केस अगर ये इनकी फैमिली लाइफ है तो इनकी फैमिली लाइफ से भी ये एक अप्रूवल लेकर आएंगे इस रिलेशनशिप के लिए। अगर ये उस अप्रूवल के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग बने हुए हैं, अपनी उन सारी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ये बहुत ज़्यादा कीनली निभा पा रहे हैं, वो इसीलिए हो सकता है गाइस ताकि ये आपके लिए वो अप्रूवल यहाँ से हासिल कर सकें, आपको एक कमिटमेंट देने के लिए या फिर इस रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए यही एफर्ट है इनका। मे बी योर पर्सन इज ट्राइंग रियली वेरी हार्ड कि इस थर्ड पार्टी सिचुएशन को ये एक मेंडिंग वे में बनाकर रखें ताकि आगे चलकर आप दोनों को किन्हीं दिक्कतों का सामना ना करना पड़ सके, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल शिफ्ट है गाइज। लेकिन यहाँ पर एक डिले मैं कह सकती हूँ, इट इज़ नॉट ईजी फॉर देम, एटलीस्ट इनको कुछ टाइम तो यहाँ पर लगेगा, बट हु नोस के डिवाइन को जो मंजूर है और यूनिवर्स को जो मंजूर है वही होना है गाइस। क्या पता ये जो भी शिफ्ट है ये बहुत जल्दी आप लोगों की लाइफ में आ सके, जस्ट होप फॉर द बेस्ट। अब देखते हैं कि क्या एंजेलिक गाइडेंस आपके लिए आई है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए यस वाली एनर्जीज आई हैं गाइस। दिस इज द कन्फर्मेशन कि आप इस कनेक्शन में जो भी चाह रहे हो वो आप ही को मिलने वाला है। अगर इस सिचुएशन को लेकर आपके दिमाग में कोई येस और नो क्वेश्चंस हैं तो 100% द आंसर इज येस। तो आपके मन में अगर ये क्वेश्चन है कि ये पर्सन आपके लिए कोई एक्शन इवेंचुअली ले पाएंगे, द आंसर इज येस। क्या ये अपनी उस थर्ड पार्टी सिचुएशन को मेंड कर पाएंगे, तो द आंसर इज येस। क्या ये अपनी उन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से कभी छूट पाएंगे, द आंसर इज येस। तो ऑफकोर्स गाइज ये आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव शिफ्ट होने जा रहा है, और जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर एक डिवाइन टाइमिंग लग रही है गाइस। ये डिवाइन टाइमिंग आइदर आप लोगों की लाइफ में बहुत जल्दी आने वाली है या फिर काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पर थोड़ा सा डिले आ सकता है। लेकिन अगर आप अपनी एनर्जीज़ को उसी वे में प्रोसीड करते रहोगे, जैसे कि मैंने आपसे बताया भी कि अगर आप खुद को एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज में रखोगे, जहाँ पर वो क्वीन अपने डिज़ायर को फॉलो करने के लिए एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम में रहती हैं और साथ ही साथ अपने लाइफ के अदर एरियाज़ पर भी इक्वली फोकस्ड रहती हैं, अगर आप इसी वे में बने रहोगे और एक पॉजिटिविटी अपने अंदर मेंटेन करके रखोगे, एक पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ, एक पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन के साथ, तो ऑफ कोर्स तो आपके लिए जो भी डिवाइन टाइमिंग है वो बहुत जल्द अपीयर हो जाएगी गाइस। ओके, तो एक पॉजिटिव ग्रुप है गाइस, ग्रुप ग्रीन। आप लोगों के लिए यूनिवर्स ने ग्रीन झंडी दिखा दी है, तो ज़रूर आप लोगों की लाइफ में वो यस ज़रूर आने वाला है। जो भी आप चाह रहे हो यूनिवर्स से भी और इस पर्सन से भी वो आपको मिलने वाला है। ऑलराइट गाइस, अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशन सीख कर रहे हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।